नमस्कार, एबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवनीश पांडे। रुख करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि और स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के अंतर्गत 11,000 लाभार्थियों को ऋण वितरण किया है। उन्होंने ई स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया। वहीं इस कार्यक्रम का आयोजन पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। आपको बता दें चलें कि ऋण वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी ने अभिनव योजना शुरू की, रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को लोन दिया, पीएम स्वनिधि योजना से बहुत मदद मिली, किसी को साहूकार के पास नहीं जाना पड़ रहा है, नियत साफ होगी तो सफलता निरंतर मिलेगी। वहीं ब्याज मुक्त लोन वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि 11,000 लाभार्थियों को लोन वितरित किया गया है। आज जरूरतमंदों को ब्याज मुक्त लोन मिल रहा है। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में बहुत मदद हुई, जिन लोगों ने लोन लिया था वो चुका भी दिया। पीएम मोदी ने आम आदमी की परेशानी को समझा है। लाभार्थियों को 5,00,000 बीमा योजना का लाभ मिला है। वहीं संवेदनशील सरकार गरीब की संवेदना समझती है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य हो रहा है, महिला सशक्तिकरण के लिए योजना है। वहीं प्रदेश में औद्योगिक गलियारा बन रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब की पीड़ा को समझती है। पटरी व्यवसायी के लिए स्वावलंबन का आधार बनी थी और वह थी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर लगभग 15,00,000 लाभार्थी अकेले उत्तर प्रदेश दे रहा है। यानी इन 15,00,000 स्ट्रीट वेंडर को 2020 के पहले अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए जब वह किसी साहूकार से पैसा लेता था तो उसने अगर दिन में 1,000 रुपया लिया तो सायकाल तक पैसा वापस करते करते उसे 1,200-1,500 रुपये वापस कर 1,000 रुपये के बदले 1,200-1,500 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी व्यवस्था की कि आप 10,000 रुपये अगर किसी बैंक से ले रहे हैं और उसको डिजिटल पेमेंट के साथ आपने किया जोड़ लिया तो आपका ब्याज लगभग फ्री हो गया। समय से किस्त आप चुकाइए, ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को उपलब्ध हो गई। जितने भी स्ट्रीट वेंडर होंगे जो पीएम स्वनिधि योजना के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, इनको 5,00,000 रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर हम लोग उपलब्ध कर रहे हैं। हमने योजना लागू कर दी। अगर दुर्भाग्य से किसी स्ट्रीट वेंडर की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, ईश्वर करे ऐसा ना हो, या कभी किसी दुर्घटनावश पूर्णतः अक्षम हो गया, दिव्यांगता का शिकार हो गया, तो 5,00,000 रुपये हमारी यह बीमा योजना उसको उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी, उसके परिवार को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। एक बड़ी स्कीम है उत्तर प्रदेश की एमएसएमई विभाग, और ये तभी होता है जब गरीब की पीड़ा को कोई सरकार समझती है और उसकी संवेदनाएं उन गरीब के साथ खड़ी होती है, और ये डबल इंजन सरकार उसी गरीब की पीड़ा के साथ जुड़ करके अपनी संवेदना को व्यक्त कर।